39 का कॉन्टेस्ट खेला था, उसमें आपको कितना प्राइज मिला? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया मिला। हम तो मछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पब्लिक उड़ान न्यूज़ पे। और पिछले कुछ दिनों से हमारा जो कंटेंट है आप लोगों के लिए नहीं आ पा रहा, क्योंकि रीज़न ये था कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर मैं अब बिल्कुल दुरुस्त हूँ और हमारा जो तबीयत है बिल्कुल स्वस्थ है। और आज मैं बंगाल में हूँ। बंगाल का ये छोटा सा एक इलाका है जो कि उत्तरी दिनाजपुर में पड़ता है, और हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। एक भाई जी भी हैं, इनसे ही मिलने आए हैं। रीज़न है, बहुत सारी बातें हैं। और आपको तो जैसा पता ही है कि मैं ड्रीम इलेवन के कंटेंट हमेशा लेकर के आता हूं, कि देश भर में जहां भी लोग जीतते हैं उनको मैं आप लोगों के बीच लेकर के आता हूं, दिखाता हूं और बताता हूं कि क्या ड्रीम इलेवन वास्तव में पैसे देती है या नहीं देती है, और क्या ड्रीम इलेवन पे लोगों को आना चाहिए, क्या ड्रीम इलेवन लोगों की ज़िंदगी संवार रही है, या फिर अगर किसी एक की संवार रही है तो लाखों की बिगाड़ भी रही है। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और किन किन कौन कौन से लोग ड्रीम इलेवन पर लगातार अपनी टीम लगा करके करोड़पति बन रहे हैं, उन सबसे मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। तो आज जो हमारे शख्स हैं इनसे हम परिचय करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। विनोद लाल दास। क्या नाम है? विनोद लाल दास। विनोद लाल दास, आपका एक वीडियो वायरल चल रहा है कि आपने ड्रीम इलेवन पे करोड़ों रुपए जीते हैं, कितना सही है ये बात? हाँ सही है। सही है, सही है। कितना टाइम पहले आपने जीता है? करीब 25 रोज पहले। 25 रोज। कौन सा मैच था? इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। जबरदस्त मैच में आपने पैसे जीते हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा, ये जो जगह है कौन सा जगह है? ठाकुरबाड़ी बोलते हैं गांव का नाम। ठाकुरबाड़ी। जिला कौन सा है? उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर। और आपने जो मैच लगाया था भारत और पाकिस्तान के बीच, कौन सा गेम चल रहा था? एशिया कप का मैच चल रहा था। हाँ, एशिया कप। अच्छा, उसी वाले मैच में आपने लगाया था। हाँ। कितने की कॉन्टेस्ट खेली थी? 39 रुपया। 39 का कॉन्टेस्ट खेला था, उसमें आपको कितना प्राइज मिला? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया मिला। बिल्कुल सही है। हाँ सही है। 1 करोड़ में आपको टोटल जो आपके वॉलेट में पैसा आया, आपके खाते में पैसा आया, वो कितना था? 70 लाख। 70 लाख रुपए आ गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रीम इलेवन पैसे नहीं देती है, ड्रीम इलेवन के अपने ही लोग होते हैं जिनको पैसा मिलता है। नहीं, पैसा दिया है। पैसा दिया आपको? हाँ। तो विश्वास हो गया? हाँ। तो आपको देख के तो आपके गाँव के सभी लोग टीम लगा रहे होंगे? हाँ, बहुत कोई लगाता है। पहले नहीं लगाता था? पहले इतना नहीं, 2-4 लड़का हम लोग लगाते थे। अच्छा, अभी कुछ बढ़ गया है, लगाता है। आपको ड्रीम इलेवन के बारे में कैसे पता चला था? हमको भी इतना जानकारी इसमें नहीं था। अच्छा। लेकिन कोई जैसा मेरा भी पार्टनर था, दोस्त यार था, वो हमको बोला है गेम खेलो एटो। हम उसको बोले हमको जानकारी नहीं है तो हमको सिखा दी। अच्छा। वो हमको सिखाया था। अच्छा, कोई दोस्त आपको सिखाया था? हाँ, कोई दोस्त सिखाया था। तो उसको लगा कभी या फिर आप जीत लिए? नहीं, उसको नहीं लगा है, लेकिन हम जीत लिए। उसको तो पछतावा हो रहा कि हमने सिखाया। हाँ, बात सही। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं अब? हम तो मछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं? टोटो भी चलाते हैं? नहीं नहीं, मछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं। तो मछली बेचते बेचते करोड़पति बन गए। कभी सपना आया था कि हम करोड़पति बन जाएंगे? सपना तो नहीं आया था, लेकिन नसीब का खेल था। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है। मतलब रातों रात आपकी किस्मत बदल गई? जब आप जीते थे तो रात में ही देखे थे कि दिन में जा करके देखे थे कि हम? उसी टाइम में। उसी रात को। हाँ। नींद आया था? नहीं नहीं, कहाँ से नींद आएगा उस टाइम में, नींद नहीं। किसी को बताए थे रात में कि हम पैसा जीत लिए? हाँ, मेरा गांव का 2 आदमी को बोले थे हम, वो मेरा साथी में था पूरा रात। विश्वास हो रहा था उन लोगों को कि वास्तव में? हाँ, विश्वास हो रहा, विश्वास हो गया था। और आपको नींद भी नहीं आ रही होगी उस दिन? तो नींद तो हमको क्या, मेरा पार्टनर को सबको भी नहीं आया था, दोनों तीनों आदमी हम लोग पूरा रात जागे थे, जगता थे। खुशी का जो नींद था वो गायब हो गया? गायब हो गया। हाँ। कई दिन तक ऐसा चलता रहा आपके साथ? ऐसा कोई बात नहीं, 2 दिन तक विचलित थे, 2 दिन तक कि भाई इतना सारा पैसा अब इसको कैसे संभालेंगे। हाँ, जिस व्यक्ति के पास लाखों रुपए ना हो, अगर अचानक करोड़ों के मालिक बन जाए। अच्छा, क्या कुछ किया उन पैसों से आपने? लगभग 1 महीना आपका हो गया जीता हुआ। हम जमीन खरीद लिए सारा पैसा का। हाँ, जमीन खरीद लिए। मतलब जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किए हैं जमीन में। हाँ, रातों रात हमारा जमीन जो है 70 लाख का 1 करोड़ 40 लाख हो जाए। हाँ, लगते लगते जमीन खरीद। गाँव में जमीन लिए या फिर? नहीं, बस थोड़ा आगे में है।